नमस्कार, आप सभी का शुक्रिया। इंडिया कॉन्फ्रेंस के नौजवान आयोजकों का भी शुक्रिया। आपने हिंदी में बोलने का मौका दिया, उसके लिए भी शुक्रिया। इसलिए नहीं कि इसे हिंदी में बोलने से हिंदी का नाम हो जाता है, इसलिए कि जिसे सिर्फ हिंदी आती है उसका काम आसान हो जाता है। मुझे अंग्रेज़ी आती तो मैं अंग्रेज़ी में भी बोलता और लोगों से मेरा संवाद होता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदी को नाम की नहीं काम की ज़रूरत है। मैं जिन हिंदी प्रदेशों से आता हूँ और जहाँ पर भी मेरा अनुभव रहा है आने जाने का, वहाँ मैं हज़ारों की संख्या में कॉलेजों को कबाड़ में बदलते हुए देख रहा हूँ। आप जिस डिस्करप्शन की बात कर रही हैं, वो डिस्करप्शन पहले ही हो चुका है। उन कॉलेज में कोई टीचर नहीं है हमारे हिंदी के नौजवानों के पास, जो बहुत प्रतिभाशाली हैं। न टीचर है, न उसके पास भाषा है, न किताब है, न भविष्य का कोई सपना है। तो इसलिए कि जब तक उन्हें हिंदी की दुनिया को वो सुविधा नहीं मिल जाती, मुझे नहीं लगता कि यहाँ या संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में बोल देने से आप कोई तीर मार लेते हैं, बल्कि अपने बदन के जख्मों को हिंदी बोलकर छिपाने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये काम यहाँ करने नहीं आया हूँ। एक ऐसे दौर में आपने बुलाया है सुनने के लिए, इतनी दूर से, जहाँ लोग एक दूसरे के साथ बैठकर कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। सत्ता को सिर्फ बोलना आ गया है, वो सुनना भूल गई है। मीडिया में इंटरव्यू की साख इतनी ही रह गई है, हाँ इतनी ही रह गई है कि अब सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी और स्पीच का सहारा रह गया है। आपको पता नहीं चलता कि इंटरव्यू पत्रकार का इंटरव्यू हो रहा है या वो इंटरव्यू ले रहा है। भारत में दो तरह की सरकारें हैं। तो मैं विदेश में आया हूँ, आईटी सेल जग गया होगा वहाँ पर, या पता नहीं वहाँ क्या वक्त होगा, उनको पेमेंट हो गए होंगे आईटी सेल वालों को। तो ये ना समझें कि मैं यहाँ आया हूँ तो विदेश में भारत की बदनामी हो जाएगी। जैसे विदेश में बैठ कर लोग भारत के समाचार पत्रों को एक्सेस नहीं करते हैं। दो तरह की सरकारें हैं भारत में, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और मैं गवर्नमेंट ऑफ मीडिया के बारे में बोलूँगा। अगर मेरा स्लिप ऑफ टंग हो जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकल जाए, तो आप मीडिया समझ लेना, और आपको इंडिया समझ में आए तो आप मीडिया समझ लेना। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ मीडिया की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में इसको हिंदी में मैं गोदी मीडिया कहता हूँ, पर ये गोदी मीडिया जो है सिर्फ दिल्ली में नहीं है, ये तेलंगाना में भी है बहुत खतरनाक रूप से, ये आंध्र प्रदेश में भी है, बंगाल में भी है, यूपी में भी है, मेरे बिहार में भी है। गोदी मीडिया के अलग अलग फॉर्म हैं, अलग अलग कंट्रोल के अब जायज़ तरीके बन गए हैं। एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। आप सुनते होंगे कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, ये पूरी बात नहीं है। भारत का लोकतंत्र मीडिया के कारण खतरे में है। मीडिया जिसे आप देखते हैं 24 घंटे, वो लोगों के खिलाफ हो गया है। और जो मैं उस मीडिया की बात कर रहा हूँ जहाँ मैं विकल्पों की बात नहीं कर रहा, मुझे पता है कि बहुत सारे अच्छे काम भी हो रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादातर लोगों तक पहुँच रहे हैं, जिसकी समझ आपकी मेरी मेन स्ट्रीम मीडिया की है, वो लोगों के खिलाफ हो गया है। और वो रोज़ाना एक नई तरह की भीड़ पैदा करता है, फेक हिस्ट्री, फेक न्यूज़ से उस भीड़ को ट्रिगर करता है, और उस भीड़ को, किसी भीड़ को किसी वक्त के लिए स्टैंड बाई पर रखता है, किसी भीड़ को किसी वक्त के लिए किसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है। 3 महीने तक आप देखेंगे कि हम दुनिया के पहले देश हैं जहां एक फिल्म को लेकर बहस होती है, और 3 महीने तक हम एक ऐसे गैंग को, माफियाओं को, उत्पातियों को मौका देने लगते हैं कि अंत में वो हमारे बच्चों की बसों तक पहुंच जाते हैं। और तब हम अचानक जागते हैं कि अचानक मिडिल क्लास चेतना जागती है कि ये कैसे हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता है। यही तो आप 3 महीने से कर रहे थे। जब आप तलवार लेकर स्टूडियो में बुला रहे थे तो आपको ये अंदेशा हो जाना चाहिए था कि अगले दिन ये बम या बंदूक लेकर भी आएगा। अगर बहस या इतिहास इससे तय होगा तो ये होगा। तो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ मीडिया है वो भीड़ के लिए है, भीड़ की है और भीड़ से बनी है। तो आप इसे देखें, और हर 3-4 महीने पर इसका एक नया डिस्कोर्स बदलता है जो उसी तरह से आप उन सवालों पे ले जाता है। लेकिन इस मीडिया में आपको वो दृश्य नहीं दिखेगा कि
कि चपरासी के लिए फोर्थ ग्रेड जॉब के लिए 14 पदों के लिए लाखों की संख्या में 10,000 80,000 90,000 की संख्या में नौजवान धक्के खा रहे हैं, लाइन में लगे हैं उस नौकरी के लिए। इस मीडिया में आपको वो किसान नहीं दिखेंगे जो देश भर से जमा होते हैं, दिल्ली में आते हैं और बिल्कुल मीडिया के कायदे के अनुसार अपना मंच सजाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर लड़ियां झड़ियां लगाते हैं, लेकिन शाम को और अगले दिन कहीं कोई कवरेज नहीं होता है। ये मीडिया इसीलिए ये लोगों के खिलाफ है। जो जेन्युइन भीड़ है उसे वो गायब कर देता है। जब सीबीआई के एक जज की मौत पर एक रिपोर्ट आती है कैरवन पत्रिका में, तो उस खबर को वो चुपके से गायब कर देता है। आप सब यहाँ हैं, हार्वर्ड लॉ स्कूल ऑफ लॉ को मैंने भी देखा कल जाकर, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा मुमकिन था यहाँ पर कि अगर किसी जज की मौत होती उस पर सवाल उठते और मीडिया डर के मारे उसकी चर्चा नहीं करता? तो एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। आपको सूचनाओं से विहीन कर रहा है, इन्फॉर्मेशन लेस कर रहा है। आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे मीडियम आ गए हैं, मीडियम के बढ़ जाने से इन्फॉर्मेशन बढ़ जाता है, ऐसा नहीं होता है। और आज भी सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही है तो उसकी गलत रिपोर्टिंग ऐसे ऐसे अखबारों और सब पत्रकारों से हो रही है कि जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। दरअसल ये गलत रिपोर्टिंग नहीं है, वो आत्मविश्वास है कि आप झूठ बोलकर कुछ भी कर सकते हैं। ये डिस्करप्शन का एक जो दूसरा आत्मविश्वास है उसके प्रति आप सतर्क हो जाएं, वरना यहाँ से बैठकर आप जिस भारत का सपना देखते हैं वो शायद आपके जगने से पहले ख़त्म हो जाएगा। ये एक बहुत ही शर्मनाक और दुखद स्थिति में मीडिया ने भारत के लोकतंत्र को पहुंचा दिया है। गवर्नमेंट ऑफ मीडिया की पहचान वहां से कीजिए जहां से वो चुप हो जाता है। कहां कहां चुप होता है? जब 2G का फैसला आता है और उसमें सारे लोग बरी हो जाते हैं तो मीडिया चुप हो जाता है। एक आदमी था जो दिन रात किताबें लिखता था, नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट डायरी ऑफ एन नेशन कॉन्शियंस। अब ये आदमी का कहीं पता नहीं है। फैसले के बाद लगता है कि ये वाकई सिर्फ अकाउंटेंट नहीं था, लेकिन एक बात का पता नहीं था जो अब पता चल गया कि ये देश की आत्मा का पहरेदार भी नहीं था। लेकिन ये आदमी अपने कवर के पीछे छिप गया है, अभी तक ये बोलने नहीं आया है। पर ये सवाल करता है, राहुल गांधी जब फिल्म देखने जाते हैं तो कहता है कि ये तो सीरियस नहीं है, और जब राहुल गांधी जज लोया की बात करते हैं तो मीडिया फिल्म को लेकर सीरियस हो जाता है। तो ये हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है कि विपक्ष के नेताओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। यहाँ एक दिल्ली की सरकार है, उसके विधायकों के साथ जो हो रहा है वो देश के तमाम सरकारों में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो मामला है चल रहा है, लेकिन फैसला सिर्फ एक सरकार के बारे में आता है, मीडिया चुप हो जाता है। इस मीडिया को किसने डराया? ये खुद से डरा है या किसी ने डराया है? इसका असली जवाब मैं नहीं दे सकता, मेरे जैसे कोई और पत्रकार नहीं दे सकते। इसका असली जवाब अब मालिक दे सकते हैं। जो मालिकान आते हैं हार्वर्ड में, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में, अब उनसे पूछना शुरू कीजिए कि आप क्यों इतना डर जाते हैं कि एक जज लोया का मामला आता है, आप उसे कवर करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते? क्या सिर्फ इसलिए कि उसमें अमित शाह का नाम जुड़ा था किसी स्तर पे? क्या सिर्फ इसलिए कि उस केस पे हाथ डालने से हुकूमत के दो बड़े लोगों की तक आपकी उंगली पहुंच जाती है? क्या इसलिए आप डर जाते हैं? क्या आप एक ऐसे भारत का सपना देखना चाहते हैं जो अंदर से डरा हुआ हो? क्या उस बड़े सपने के लिए जो पूरी तरह से फ्रॉड पर आधारित है, क्या आप उस भारत का ऐसा सपना देखना चाहते हैं कि एक जज की मौत हो जाए, वहां सवाल उठ जाए और हम उन सवाल पर बात ना कर सकें? फैसले की तो बात ही नहीं हो रही है कि उन पे जो सवाल उठाए गए थे वो सही है या नहीं है। तो जब एक डरा हुआ और डराने वाला मीडिया सुपर पावर इंडिया की बात करता है तो मुझे उस पावर से डर लगता है। मीडिया ने पहले आम आदमी को पावरलेस किया, शक्तिविहीन किया, और फिर अब उसकी हिम्मत देखिए कि उस आम आदमी को सपने दिखा रहा है कि तुम्हारा इंडिया सुपर पावर बनेगा, जिसके कॉलेज में 60% शिक्षक नहीं है, जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो 10,000 से 12,000 रुपए पे पढ़ा रहे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई नई किताब नहीं देखी, छात्रों को लाखों की संख्या में बंद करके बर्बाद किया जा रहा है, उस इंडिया में एक सपना बेचा जा रहा है सुपर पावर इंडिया का। ये मेले में, मेरे गांव के मेले में जो प्लास्टिक के खिलौने बिकते थे, ये वही सपना है प्लास्टिक के खिलौने का सुपर पावर बनने का। हम हकीकत से दूर हैं दोस्तों। बिहार के कॉलेज की स्थिति में बताता हूँ, 8,500 लड़कियाँ पढ़ती हैं, 9 टीचर हैं।
मैंने गूगल से चेक किया, आपके हार्वर्ड में 2016 में 22,000 स्टूडेंट्स थे। क्या आप बता सकते हैं कि इसका 3 गुना, क्या यहाँ पे सिर्फ 27 टीचर हैं? ये ठीक है, मैं ये जानता हूँ कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बहुत पैसे वाली यूनिवर्सिटी है, बिहार का कोई कॉलेज ऐसा नहीं हो सकता, यूपी का नहीं हो सकता, पर क्या मैं उन सरकारों से पूछ सकता हूँ कि आपने अपने नौजवानों को कोई एक तो कॉलेज दिया होगा? क्या हमारी हालत इस स्तर पर आ गई है कि अपने मुख्यमंत्रियों से हम ये पूछें, हुजूर कोई एक तो कॉलेज यूनिवर्सिटी आपने बनाई होगी किसी स्तर की, और हम सुपर पावर इंडिया का बोगस सपना देख रहे हैं? तो ये इंडिया है जहां पर आप देखेंगे कि बिहार का एक छपरा है जहां पे 40,000 से ज्यादा की संख्या में लोग 3 साल में बीए नहीं कर पाए। इनमें से कई हजार लोग पिछले 6 साल से 3 साल का बीए पूरा नहीं कर पाए हैं, और वो 1 साल 2 साल की परीक्षा कर पाए हैं। ये हमारा इंडिया है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 10 कॉलेजों को हम वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए दे देंगे, और बजट में वो 250 करोड़ देते हैं। तो जानकारियों का जो समाज हम बना रहे हैं वो एक ऐसा समाज है कि मीडिया के मीडियम, नंबर ऑफ मीडियम में जितना भी एक्सपोजर आप कर लीजिए, सोसाइटी में चेंज का प्रोसेस और धीरे होता चला जाएगा। तो इस नंबर में यहाँ डिसरप्शन है, लेकिन यहाँ के स्टेटस को में जो आबादी का बड़ा हिस्सा है वहाँ कोई डिसरप्शन नहीं है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि उसके क्लास में टीचर नहीं है तो आवाज़ कैसे उठानी है। तो मीडिया लगातार इस क्वेश्चन के जरिए आप देखेंगे कि हमको वो छोड़ता चला जा रहा है। रिपोर्टर न्यूज़ रूम में ख़त्म हो गए हैं, जो गाँवों में जाते थे वो पूरा सिस्टम ख़त्म हो गया है। तो अब ये 3-4 एंकर हैं जिनको कंट्रोल करना आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली, और सीबीआई या इनकम टैक्स भी और भी लोग काम अच्छा करते हैं, वो लोग कंट्रोल करने में। तो इसके जरिए आप मैनेज कर सकते हैं 5-6 एंकरों की बिरादरी को। आप उन्हीं को न्यूज़ समझने लगे हैं, उन्हीं को आप खबर समझने लगे हैं, उन्हीं को आप मीडिया समझने लगे हैं। और अब हालत यह है कि एक ही चैनल के 2 चैनल हैं, एक एंकर सांप्रदायिकता फैला रहा है, एक एंकर जागरूकता फैला रहा है, और वो इस कदर सांप्रदायिकता फैला रहा है कि भीड़ को लोगों के खिलाफ ट्रिगर कर रहा है, डरा रहा है आपका मीडिया, जिस मीडिया को आप इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ रिपोर्टर बचे हैं जिससे कैसे बहुत सारे चैनल उस लिंचिंग मॉब की तरह रिपोर्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो करते क्या हैं कि एक MP शशि थरूर के पीछे 4-4 रिपोर्टर भेज देते हैं, फिर 5वां शूट करता है जैसे लगता है कि 25 चैनल के लोग आके इसको घेर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये एक मॉब मेंटालिटी, लिंचिंग मीडिया जो है इसको इसकी तरह से बनाया गया है। आप शायद यहाँ से बैठकर नहीं जान पाते होंगे। आप अगर तकनीकी में अपने ज्ञान में बेहतरीन प्रोफेसरों से चाहे जितनी आप अपनी पढ़ाई कर लीजिए, वहाँ की ज़मीन पर उतरेंगे तो ये हकीकत है। आपको लगेगा कि मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, सच बात यह है दोस्तों कि विदेश में हूँ, कुछ कम बता रहा हूँ। तो हमारे लोकतंत्र को वो कमज़ोर कर रहा है। एक हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन है मीडिया में, हर दूसरे दिन आपके टेलीविजन चैनलों पे, अखबारों में हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन आ रहा है, रोज आता है, किसी ना किसी फॉर्म में आता है, फिल्म के जरिए आता है, इसके उसके जरिए आता है, ताकि हम अपनी नागरिकता के आधार पर सवाल ना करें, हम धार्मिक और जाति की पहचान पर अपनी दावेदारी करें। और इसी को बार बार वो उठा रहा है ताकि धर्म के इस्तेमाल से किसी भी सिस्टम को किसी भी वक्त सबवर्ट करना, तोड़ना, मरोड़ना ज़्यादा आसान हो जाता है। एक भीड़ आपको धर्म के साथ खड़ी हो जाती है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी को कोई पूछने वाला नहीं रहता। तो पब्लिक स्पेस में अगर आप देखें तो ये हालत आपके मीडिया की है, आप सब जानते हैं। थोड़े बहुत न्यूज़ लॉन्ड्री पर भी पढ़ते होंगे, और वायर में भी पढ़ते होंगे, हूट में भी पढ़ते होंगे, मीडिया विजिल में भी पढ़ते होंगे, लेकिन इसमें कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। तो बदलाव जब नहीं आ रहा है लोगों के जो नेता हैं उनके बोलने में, मीडिया के इस एजेंडे में, कितना 3-4 साल आपने जितना हिंदू मुस्लिम पर डिबेट किया है उतना किसी टॉपिक पर आपने इस हमारे देश में नहीं किया है। इसकी एक सीमा होती है, आप हिंदू को मुसलमानों से और मुसलमानों को हिंदू से किस हद तक लड़ाओगे? क्या घर घर से दंगाई पैदा करोगे? क्या हमने ये जनमत बना लिया है कि आप हार्वर्ड नहीं जाकर दंगे में चाकू लेकर जाएंगे? क्या आपकी माओ ने यह फैसला कर लिया है
आपके पिताओं ने यह फैसला कर लिया है कि हार्वर्ड से लौटने के बाद आपको इस हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन का बंटवारा और फैसला करने के लिए दंगों में जाना होगा। ये किस समाज में और किस जरूरत से मीडिया का एंकर यह हिम्मत कर पाता है कि संविधान की दी हुई समझ को छोड़कर वो भीड़ को उकसाता है? उसे यह हिम्मत कहां से आई? या तो आप उस पत्रकार से पूछो या फिर उन मालिकों से पूछो जो न्यूज चैनल चलाते हैं, उनसे पूछो कि वो किस तरह से ये काम कैसे कर पाते हैं कि एक एंकर सांप्रदायिकता फैलाता है, उसी चैनल के दूसरे चैनल में दूसरा एंकर जागरूकता फैला रहा है। ये धंधा है या कोई गठजोड़ है, ये बता दो और आप पूछ लो। पर आपको एक बात बताता हूं, बहुत मैं भी देखता रहता हूं कि लोग कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, मीडिया जरूर इस लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है ताकि एक दूसरे तंत्र की जगह बन सकता है। लेकिन मैं जितना मैं लोगों से मिलता हूं, उनसे बात करता हूं, मीडिया के झुक जाने से भारत का लोकतंत्र नहीं झुकने वाला है। ये फोटो मीडिया के उन एंकरान को क्लियर कर लेना चाहिए। मीडिया झुक जाएगा, लोकतंत्र नहीं झुकेगा। भारत के आम जनता को इस बात का इल्म है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। वो इतनी समझदार है कि वो अपने उस लोकतंत्र को नहीं गंवाने जा रही है जिसके लिए उसने 100 साल लड़े हैं। अभी भी गांव में, शहरों में और कस्बों में उस आज़ादी की लड़ाई के किस्से बाकी हैं। आपने चाहे जितने भी नेहरू को लगाकर और जितने भी पटेल को लगाकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए बदनाम किया होगा, लेकिन अभी भी वो जज्बा और जुनून बाकी हैं कि हमारा हिंदुस्तान का आम आदमी कभी भी लोकतंत्र को किसी और तंत्र के हाथ नहीं जाने देगा। शहंशाह, बादशाह, नेता आएंगे, आते रहेंगे और चले भी जाएंगे। वो मीडिया के मिट जाने से नहीं मिटेगा। भारत का लोकतंत्र हमारी आत्मा है और हमारी आत्मा अजर अमर है। गीता पढ़ लीजिए, काम आएगा। आपकी तरह मैं भी भारत को लेकर एक सपने देखता हूं, एक ऐसा भारत जो अपने इतिहास और अपने वर्तमान दोनों का सामना कर सकता है। मुझे उस भारत का से एतराज है जो इतिहास के सवालों का सामना नहीं कर सकता। हम इतिहास के सामने आते हैं, जब भी इतिहास का सवाल आता है हम क्यों बौखला जाते हैं? खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारे भीतर कोई गिल्ट है? क्या हमारे भीतर कोई अपराध बोध है जो हमारा पीछा कर रही है कुछ लोगों का, जो बार बार लौटकर उस इतिहास पर तलवार चलाना चाहते हैं? क्या उनके भीतर कोई हीन भावना है, कॉम्प्लेक्स है, क्या है? ये सवाल आप पूछिए। नेहरू को मुसलमान बनाने लगते हैं और अकबर की रेटिंग ग्रेडिंग कम कर देते हैं, जैसे मूडी की तरह कि अब अकबर ग्रेट नहीं है। महाराणा जैसे बहादुर के साथ, परमवीर के साथ क्या अन्याय हुआ? एक बहादुर अपने सीने पर अपनी हार को भी लिख के चलता है। यहाँ एक शिक्षा मंत्री आता है जो कहता है कि महाराणा ने हार नहीं कबूल की और जीत गए। जिंदा होते महाराणा प्रताप तो कहते कि हमें इस तरह का शिक्षा मंत्री नहीं चाहिए। अब आप बताइए कि क्या ऐसा मुमकिन है कि यहाँ का शिक्षा मंत्री आए और आपके हार्वर्ड के प्रोफेसर को कहे कि ये रहा सिलेबस और किताब भी हम ही लिख के देंगे, पढ़ाओ। हम जो कहते हुए करो, क्योंकि जनता ने हमको मैंडेट दिया रहे, तो हम ही यहाँ के लठैत हैं। क्या हो सकता है? क्या आप इसलिए हार्वर्ड आए हैं इतनी दूर, इतना सपना, इस हिंदुस्तान को सपना देखने के लिए? पूछिएगा दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी सवाल है कि क्या एजुकेशन मिनिस्टर और भीड़ ये तय करेगी कि फिल्म डायरेक्टर कौन सी फिल्म बनाएगा और आप कौन सी किताब पढ़ेंगे? अगर आपने ये तय किया है तो मेरे साथ ही इसी फ्लाइट से हार्वर्ड से चलिए दिल्ली, और वहाँ वो जो पैम्पलेट दे रहे हैं उसको पढ़िए, उसी में ग्रेजुएट कर जाइए आप, अच्छा रहेगा। तो ये है कि क्लासरूम में न हिस्ट्री की समझ बन रही है, एक समस्या है, न पब्लिक के स्पेस में, क्योंकि बहुत से कॉलेजों में मैंने देखा अपनी यूनिवर्सिटी सीरीज के जरिए कि 10-10 हज़ार की संख्या में, 4-4 हज़ार आरा के कॉलेज में लड़कियां हैं जो हिस्ट्री में एडमिशन ली हैं, लेकिन पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं। ये इंडिया में हो सकता है, ऑटोमेटिक पास करने की व्यवस्था, आप एडमिशन ले लो यूनिवर्सिटी से, ऑटोमेटिक 3 साल बिता लो, 6 साल बिता लो, आप ग्रेजुएट हो जाते हो। ये है, और इस इंडिया का यूथ हम करते रहते हैं। हमें पता नहीं है दोस्तों कि हमारे नौजवानों के साथ क्या धोखाधड़ी हो रही है, इसीलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल जा रही है, क्योंकि वहाँ कोई हार्वर्ड नहीं है, कोई कोलंबिया नहीं है, अब तो पटना यूनिवर्सिटी जो इतनी अच्छी होती थी वो भी नहीं है। हमने एक फिल्म में जितने इतिहासकार पैदा किए उतने 400 हज़ार साल में कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ने भी नहीं पैदा किए होंगे। बस जला दो, पोस्टर फाड़ दो, सिनेमा का प्रदर्शन रुकवा दो, आप हिस्ट्री बन जाओगे, हिस्टोरियन बन जाओगे, टीवी में आ जाओ, कहो आस्था का सवाल है, आप सुपर हिस्टोरियन बन जाओगे। एमिरेट्स प्रोफेसर जो होते हैं ना, वो आप आस्था को लेकर आ जाएं तो आप प्रोफेसर एमिरेट्स बन जाते हैं उसको।
तो एक ये चल रहा है, न्यूज एंकर उस प्रोजेक्ट का कन्वीनर है और हमारे जो बिना गुरुओं के सब चल रहा है आपके आपके देश में। क्यों ऐसा होता है कि हम कभी धार्मिक तो कभी जातीय पहचान का सहारा लेने लगते हैं? सोचना चाहिए हमको, इस सवाल से टकराना चाहिए कि आखिर वो क्या चीज़ है कि हम पॉलिटिक्स में जब भी जाते हैं और जब भी सवाल उठता है तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस के जरिए अपने सवालों को सॉल्व नहीं करते हैं और हम लोग धर्म का सहारा लेते हैं। वो क्या चीज़ है हमारे भीतर? हम संविधान से अपनी पहचान क्यों नहीं हासिल करते हैं? जिस संविधान के लिए हमने 100 साल की लड़ाई लड़ी, हम उससे हम अपनी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं खोजते हैं? इसी दौर में वैसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला लिखा था मौलिक अधिकारों का, वरना तो हुजूर कह रहे थे कि शरीर पे भी आपका सरकार का हक है। होता है, जब आप कुर्सी पर होते हैं तो आप सूरज से ऊपर नजर आते हैं, होता है, पर सूरज अपने रफ्तार से उगता डूबता रहता है। तो आप समझिए इस बात को लेकर कि हम क्यों कास्ट कॉलोनी में फंसे हुए हैं। चेक कीजिए अपने आप को, पूछिए इस सवाल को, अगर आप रिसर्च कर सकते हैं तो कीजिए, हमें भी बताइए कि हम इस कास्ट कॉलोनी से कब निकलेंगे। आंध्र प्रदेश में ब्राह्मणों की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है, apbrahminkoop.com। क्यों बनी है? जब रिजर्व बैंक है, इतने सारा प्राइवेटाइजेशन है, लिबरल इकोनॉमी आ गई है, ब्राह्मणों की कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनी है और उसको एक चीफ मिनिस्टर उसका उद्घाटन करने क्यों जाता है? उसके मेंबर में तेलुगु में सारा लिखा हुआ, तो जितनी अंग्रेजी में जो पॉइंट्स हैं उसमें जो मैंने देखा तो उसमें लिखा है कि हम गरीब ब्राह्मणों को इसके जरिए कार लोन देंगे, होम लोन देंगे और एजुकेशन में हेल्प करेंगे। और इसके सदस्य कौन हैं? जो जज रिटायर हो रहे हैं ब्राह्मण के पोस्ट से, जो आईएएस ऑफिसर हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर हैं, ब्राह्मण हैं। तो ये कास्ट कॉलोनी क्यों बन रही है? क्यों हमारी आर्थिक नीतियां क्या फेल हो रही हैं? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक उदाहरण है? नहीं, बेंगलुरु में ब्राह्मणों की एक वैदिक सोसाइटी बनी है, 2700 घर 2013 से बन रहे हैं, बन भी गए होंगे। एक एक्सक्लूजन, जो प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन जो है वो लगातार चल रहा है, जो प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन जो है वो लगातार कमजोर किया जा रहा है। इंक्लूजन जितना ज्यादा कमजोर होगा आपकी डेमोक्रेसी कमजोर होती जाएगी, और ये काम आपका मीडिया करता है। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि कैसे कैसे घेटो बन रहे हैं। जयपुर से इस जातिवाद को एक नया रूप आपको देखने को मिला जब एक फिल्म को लेकर विवाद हुआ, लेकिन जयपुर शहर में आपको मालूम होना चाहिए कि 18 से ज़्यादा कास्ट हॉस्टल्स हैं, 18 से ज़्यादा, और वो उन सब कुछ की बिल्डिंग में मैं खुद गया हूँ, 8-10 की बिल्डिंग में तो मैं खुद गया हूँ, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है, इतनी डिज़ाइन नहीं पर इसी तरह की कंक्रीट की बनी है। कास्ट लीडर, कास्ट ऑफिसर जो आईएएस बन जाते हैं, जो कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाते हैं, वो अपनी जाति के हॉस्टल में लैपटॉप दान करते हैं, किताबें दान करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। तो ये जाति के हॉस्टल्स हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। राजपूत छात्रावास, अम्बेडकर छात्रावास, जाट छात्रावास, बैरवा छात्रावास, मीणा छात्रावास, जैन हॉस्टल, अग्रवाल छात्रावास, गुर्जर छात्रावास, गुर्जर गौड़ हॉस्टल, यूथ हॉस्टल, जैन महिला छात्रावास, यादव हॉस्टल, और इनमें से जो ज़्यादातर हैं वो कहाँ हैं? उसका नाम है विद्यानगर, जयपुर में। तो ये जो कास्ट कॉलोनीज जो आप देखते हैं, हमारी आइडेंटिटी अचानक निकल के आ जाती है, ये हवा में नहीं निकलती है। आप हिंदुस्तान के शहरों में किसी भी मोहल्ले से निकले तो बाहर जो जाति परिचय सम्मेलन बना रहता है कि हाँ हम इस फलाने राजपूत समाज का परिचय सम्मेलन, विवाह का, यादव समाज का, ब्राह्मण समाज का, कोयरी समाज का, और यही जो पॉलिटिकल पार्टियां जो एक सुपर स्ट्रक्चर के रूप में बनी हुई हैं, इसके भीतर भी कास्ट कॉलोनीज हैं। और वहां भी एक कास्टिज्म ये है कि समय समय पे जो पावरफुल कास्ट हैं उनको अपनी मर्जी का करने की छूट दी जाती है, बस जला लो, किसी का सर तोड़ दो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हमारे कई मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं करा सके, फिल्म रिलीज नहीं हो सकी, सिर्फ इसलिए कि उस कास्ट कॉलोनी का नेता आपके उस नेता पे भारी पड़ जाता है जो बम्बई का और हार्वर्ड से लोगों को बुलाकर स्लोगन लिखता है कि हम कुछ नया इंडिया बना देंगे। कुछ भी नया इंडिया नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि आधुनिक होते भारतीयों
की संख्या, आप सब जो मॉडर्न आउटलुक लेकर बड़े हो रहे हैं, वो इतनी छोटी क्यों है, वो इतनी कमजोर क्यों लगती है? और जो लोग दूसरी तरफ आधुनिकता के सहारे, इसी आधुनिकता के सहारे ना, इसी आधुनिकता ने संभव किया कि आप ब्राह्मीण कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। कल को हर जातियों के हिसाब से सेल्फ हेल्प ग्रुप बनने लगेगा। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है एक तरह से, जाति के आधार पर बना हुआ है, कॉलोनी बन रहा है, घेटो बन रहा है। तो ये सारी संस्थाएं जिस पर हम बहस करते हैं, हमने कभी नहीं कि यही जाति की पहचान जो है अपना शर्म छिपाने के लिए धर्म की पहचान को आगे करती है, और दोनों तरह की पहचान का झगड़ा जो है वो संविधान के खिलाफ है, संविधान की पहचान से। हमने अपने नागरिकों को 50-70 साल में ये नहीं बताया कि हमें हमारी संविधान क्या है, हमारा संविधान क्या है, उसकी भावना क्या है। यहाँ के लॉ स्कूल में मैं देख रहा था लाइब्रेरी के दीवारों पर संविधान की मूल बातें, मूल शब्द लिखे हुए हैं लैटिन में, जो शायद आने जाने वालों को याद दिलाते रहते होंगे। हमें नहीं मालूम कि हमारा संविधान कहाँ है। कांशीराम राजनीति में नहीं आते तो शायद संविधान इतना राजनीति के फोर फ्रंट पर नहीं होता। एक अंबेडकर की मूर्ति गांव-गांव में नहीं लगती संविधान लेकर खड़े एक शख्स की, वो नहीं है। तो हमारा हमेशा एक अटैक होता है मीडिया के जरिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड सिटीजनशिप है वो डेवलप नहीं कर पाती है, जो सिविल सोसाइटी बननी चाहिए थी वो डेवलप नहीं कर पाती है। इसीलिए भीड़ जो है वो एक तरह से आपको 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 रूल कर रही है, आपको कंट्रोल कर रही है। और भारत की राजनीति की तरह जो आपका मीडिया है वो इन्हीं कास्ट कॉलोनी से आता है। अगर आप हमारे मीडिया न्यूज रूम की डाइवर्सिटी को देखेंगे तो वहां भी आपको एक कास्ट कॉलोनी नजर आएगी। कई बार लगता है कि ये अचानक बन गया होगा, बन जाता है अचानक मौके, अगर आप पूरा अपने हाथ में उस पर कब्जा कर लें तो इस तरह के अवसर अचानक बनते हुए लगते हैं। पर ये अचानक नहीं बनते, इतिहास की एक प्रक्रिया है, आधुनिकता की एक प्रक्रिया है जिससे बनते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हमारी आधुनिकताएं जाति के स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ रही है। आप में से ही बहुत सारे लोग अंतरजातीय विवाह करेंगे, और ज़रूर कीजिएगा। जिसने ज़िंदगी में प्यार नहीं किया और प्यार को जिसने कबूल नहीं किया, वो ज़िंदगी भर दूसरों का पीछा करता है। तो इसलिए प्यार करना और कबूल करना और राजनीति में आना तो सबसे पहला काम यही करना, कहना कि हमने किसी से प्यार किया था, किसी को चाहा था, बात बनी नहीं बनी, बन गई तो ये रही। तो वो जो भागता है, जो नेता प्यार को नहीं कबूल कर सका, वो अपनी नजरों में नेता नहीं होता है। तो वो मीडिया में डाइवर्सिटी नहीं है, इसलिए ये मीडिया डेमोक्रेसी की डाइवर्सिटी के खिलाफ है। वो कभी सेना के कवर में आता है, कभी रिलीजन के कवर में आता है, कभी सुपर पावर इंडिया के कवर में आता है, कभी किसी और चीज़ के कवर में आता है, लेकिन वो लोगों के कवर में कभी भी नहीं आता है। वो हमेशा लोगों को मार्जिनलाइज कर रहा है। और ये प्रोसेस सब स्टेट लेवल पे भी, जो छोटी छोटी मीडिया हाउसेज हैं वहाँ पर हैं, एंकर को हटाया जा रहा है। अगर आप जज लोया पे प्रोग्राम करते हैं तो मराठी के एक एंकर को हटा दिया गया। मैं ही बच गया हूँ अब लास्ट में हटाने वाला, क्योंकि मैं नहीं किया था, मुझे मालूम है 5 ही मिनट की बात है तो मैं कितना कुछ बताऊँगा। तो ये एक स्थिति है, एक डर का माहौल बना हुआ है, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो इसमें कर रहे हैं। पर उन अपवादों से वो तस्वीर बदलने की कोशिश मत कीजिए। वो ज़रूर कर रहे हैं, आप मुझे गिन सकते हैं, आप मधु जी को गिन सकते हैं, पर उन अपवादों से उस बिग पिक्चर को आप बदलने की कोशिश मत कीजिए। आप धोखा खाएंगे, अपने आप को धोखा में रहेंगे। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ मीडिया है अभी देश में मैं गवर्नमेंट ऑफ मीडिया की तो बात कर ही सकता हूँ। तो खास धर्म और खास जाति से बनी है, जब तक आप इसे बर्खास्त नहीं करेंगे, वो तरीका क्या हो आप समझें, आप खुद को और भारत को लोकतांत्रिक नहीं बना सकेंगे। हमें भारत को नए सिरे से लोकतांत्रिक बनाना है। नए सिरे से इसलिए बनाना है कि मैं खतरे की बात नहीं कर रहा, मैं संभावनाओं की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हमने डेमोक्रेटिक होने की संभावनाओं को ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया, उसके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। यही बताया लोगों कि मतदान का दिन आइएगा, 80% वोट दीजिएगा। वोट देना सबसे साधारण काम है, ये चुनाव आयोग ने गलत बताया है आपको। उसके पहले की जो नागरिक भागीदारी है 5 साल में, क्या वो आपकी है? अगर वो नहीं है तो आप लाइन में यूं उंगली का फोटो खिंचाकर, आपने आपकी पार्टिसिपेशन आपका डेमोक्रेसी में नहीं होता है। तो वोट देने से पहले आप लोकतंत्र की संभावनाओं का विस्तार कीजिए, अपने नागरिकपन को, अपने सिटीजनशिप को, उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए। जब कोई आपका ही भाई, आपके ही जनता का हिस्सा सरकार के द्वारा सताया जा रहा है, मीडिया के द्वारा मार्जिनलाइज किया जाता है, उसके लिए खड़ा होकर बोलना सीखिए।
सवालों को, अपनी निष्ठा को सवालों के साथ रखिए, नेता के साथ नहीं। मैं डर की नहीं उस जीत की बात कर रहा हूं जो एक दिन मिलेगी। मैं इस यकीन के साथ यहां आया हूं कि एक दिन वो जीत मिलेगी। आज भले ही आपको वो चुनावी जीत से आपको इन सारे सवालों के जवाब न मिलते हों, पर मिलेगी। ये जातियों और धार्मिक गठजोड़ों का गेम ओवर होगा। आप करेंगे, हम सब करेंगे, वरना हम और आप 21वीं सदी के बाकी हिस्से में पोस्टर ही फाड़ते रहेंगे। धन्यवाद।